अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी यकीन सर, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। जी जी बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है गेम में, बहुत ज्यादा। पहले ना हमको एक दो बार टाइफाइड हुआ है और बवासीर भी है, पेट में जलन भी रहता है। अच्छा जी, और मेरा छोटा बच्चा है, उसका पैर में भी दर्द रहता है घुटना में, पढ़ने भी मन नहीं लगाता है। और जी जी पहले आपको जीता बताए थे तो वही कर रही थी। अच्छा, आप ऐसा है, आप ऐसा करें कि इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक रहेगी। एक तो हर खाने में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ना ना भूलें। जी मैंने शुक्रिया। हमारे मुल्क के एक एटमी साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनका एक वजीफा दिया था जो उन्होंने रोजनामा जंग में लिखा था। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, फिर मैंने उसकी वजाहतें भी। वो वजीफा ये है, वो कहते हैं एक बंदे से मैं मिला, उसकी उम्र 100 साल के करीब थी, मुख्तसर बता रहा हूँ। वो सेहतमंद था। मैंने पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है? उसने कहा हर कतरे और हर दाने पर, यानी हर पीने और हर खाने पर। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, और जब मैंने हर कतरे हर दाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ी, मुझे ना कभी बीमारी हुई, ना वबाओं ने लपेटा, ना मैं बूढ़ा हुआ। मैं हमेशा सेहतमंद हूँ, हमेशा तंदुरुस्त हूँ। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने टोटका बताया था, और मैंने इस पे बहुत पूरी दुनिया को बताया, आप भी ये कर लीजिए। और दूसरा, खाने के बाद 3 बार सूरत कुरैश पढ़ें। जो खाने के बाद 3 बार सूरत कुरैश पढ़ता है, उसको कभी बीमारियां नहीं होती, खाना जहर बीमारी नहीं बनता, और उसकी 7 नस्लों को अल्लाह दौलत, तवंगरी, इज्जतें और बरकतें देता है। और अगर उसकी गुर्बत तंगदस्ती है, वो ख़त्म हो जाती है, जो खाने के बाद 3 दफ़ा सूरत कुरैश पढ़े। और इसके अलावा बाकी जो वज़ायफ़ अबकरी के आप पढ़ रही हैं, उनकी भी आपको इजाज़त है। जी, और मेरे पाप के लिए दुआ कर दीजिए, हम जी सबके लिए, बच्चों के जी ज़रूर, लिए। दुआ है आपके लिए, ज़रूर दुआ है इंशाल्लाह। रोजी रोटी लग जाए, छुट्टी पाए, 1 साल हो गए, अभी कोई इतने सबके लिए दुआ इंशाल्लाह, सबके लिए दुआ इंशाल्लाह। जी, ठीक है, शुक्रिया आपकी कॉल बंद कर शुक्रिया। दूँ? ठीक अस्सलाम वालेकुम। जी।